लोग नज़रअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। खूबियाँ देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे, जिंदगी में जगह उसे दूँ जो कमियाँ देखकर भी साथ ना छोड़ें। आजकल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील करवा देता है। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास हो कि पत्थर जमा करते हुए तुम्हें एक हीरा गंवा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, सोए को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा, और जो व्यक्ति है सुना आप, जब मन दुखी हो तो अपने मन से पूछना कितना और कब दुखी होना है। मन कहेगा लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उन्हें माफ़ी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वह शायद कभी ना हो क्योंकि उन्हें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं अपनी सोच से है। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाए। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। कोई आदमी चाहे लाख चीज़ें जान ले, वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञान है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे को फूल देती है। शब्द सोच दुनिया बढ़ा देते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं। अतीत पर मत रो, वो जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी तक आया नहीं। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। हमेशा शांत रहो, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है और गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। किसी विपत्ति के समय आपको यह सात गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कन, सच बोलने की आदत और इस ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से ही व्यक्ति मजबूत बन पाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर झुकना कायरता का लक्षण है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें सामान देता है, हमें आराम देता है। अगर सम्मान के साथ सम्मान की कामना है, खुशी, सेहत और प्यारे रिश्ते बनाने हैं, तो धन से ज़्यादा दुआएं कमानी होंगी। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो धन कमाते हैं वह ज़रूरी नहीं कि दुआएं कमाते हैं, पर जो दुआएं कमाते हैं वह क्षमता से ज़्यादा धन कमाएंगे। दूसरों के सहारे लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खूब बैठाता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। चोरी, चुगली और झूठ, ये तीन बातें इंसान के चरित्र को बर्बाद करती है। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को निरपरक्ष करना पड़ेगा।
अपने सारे नकाब उतारने पड़ेंगे, अपनी सारी मान्यताएं कल्पनाएं छोड़नी पड़ेंगी, तभी सजाने के योग्य बन पाओगे। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वह तुम्हारे ही मन की भूमि पे गिरेगा, किसी दूसरे की मन की भूमि पे नहीं गिर सकता। कि जो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, फल भी तुम्हें ही भूख होगी। हकीकत में भगवान तो हर इंसान के अंदर है, खुद में उतर कर देख कितना आनंद नजर है। कुछ खोने वाले को कुछ पाने की कद्र करते हैं सब। जब सुखी हो तो कृष्ण को मत भूलना, और जब दुखी हो तो कृष्ण पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, किसी की सोच परखनी हो तो उस पर विश्वास करो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वो चीज सक्रिय हो जाएगी, आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। अर्जुन के पहले केवल एक निर्णय लिया, अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया कि मुझे केवल कृष्ण चाहिए, बाकी सारे निर्णय कृष्ण ने कर दिए। आप भी केवल एक निर्णय करिए, और वह चाहे जो भी हो कृष्ण को ही चुनिए, और फिर सारे निर्णय कृष्ण पर छोड़ दीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोचना कि अगर वही सपित कोई आपसे कहे, वही शब्द कोई आपसे कहे, तो आपको कैसा महसूस होगा। दुनिया बस अपने स्वार्थ की उम्मीद है, बस उतना ही याद रखती है जितना उसका स्वार्थ चाहता है। ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझाए रहता है। हवा में सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। भरोसा अगर भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कोई अगर आपके अच्छे कर्मों पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सूर्य की शुद्धता पर ही किया जाता है। कोयले की देने पर अक्सर लोग इनका मूल्य रास्ता ही समझ लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि को प्रयोग करता है। हैपत झड़े बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। शांति प्रिय लोग आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नर्क से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, किसी का दिल ना दुखे। अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें मतलब ही मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वह रोशनी है, रोशनी के कारण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। यह दफा कुछ नहीं होता, इस दुनिया में सबको पता है
कि वो अगले दिन के लिए क्या कर रहे हैं। उन्हें हर बात की अच्छी खबर होती है कि वो अगले के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि पक्षी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा कर पाए। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने एक ही बात में तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। सिर्फ एक ही बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। दुख में स्वयं की उंगलियां आंसू पोंछती हैं और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या सिखवा क्या उगला। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मेहनत कर रहे हो पर परिणाम नहीं मिल रहा, याद रखो जिस दिन वह देने पर आएगा उस दिन संभाल नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, साहस हो या फिर संकल्प हो। कोई हमारा बुरा करे वह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें यह हमारा अधर्म है। यह हमारा धर्म है। सुख के लालच से ही नए दुखों का सुख के लालच से ही नए दुखों का जन्म होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है जो लोग अपने होते हैं वह आपको कभी झुकाने ही नहीं देते। काम बड़ा कीजिए मगर बर्ताव ऐसा कीजिए कि मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि यही होती है महान व्यक्ति की पहचान। जब भी अकेले हो जाओ, हिम्मत हार जाओ, रास्ता ना मिले, तब आप अपने मन के अंदर को देखो और कहो मैं हूं ना, कल से करेंगे। यही वह वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक पहुंचने देता है। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने में मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, हमारे साथ पर यकीन रखना। इसमें भी ईश्वर में कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तुम्हारे लिए सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं क्यों तेरा मेरा करते हो, एक दिन सब चला जाएगा, जो भी कमाया है यही रह जाएगा। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ वही तेरे जाएंगे। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं हम हो। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। इंसानियत दिल में होती है, ऐसे इतने नहीं ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीहत नहीं। प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है। कोशिश करना प्यार अच्छे सूरत से नहीं, एक दिल से। फिर आपको समझ आएगा कि जिंदगी में बस प्यार तो
बाकी चीज है। और कर्म भी हो तो खास दिक्कत नहीं होती, लेकिन गलत इंसान से अगर आप प्यार कर बैठेंगे तो हर चीज होने के बावजूद आपका दम घुट रहा होगा। आप प्यार करके भी खुश नहीं रहोगे, फिर भी एक उम्मीद लगाए रहोगे कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्यार कभी गलत नहीं होता, हम इंसान ही गलत लोगों से प्यार कर लेते हैं। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा समय होता है, तो कल पर टालना यह अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। किसी को डर कि ईश्वर देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। बुरे लोगों से मिलो, तभी शायद समझोगे कि अच्छे लोग कैसे मिले। तुम किसी के लिए लाख अच्छाई करके बुरे ही होंगे। तुम सच होकर भी झूठे ही बनोगे, तब तुम समझोगी कि अच्छे लोग हर हाल में सबसे सबके लिए होते हैं, और तब तुम शायद उनके कद्र रख करना सीख जाओगे। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है, तो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ नहीं देती। किसी का अच्छा ना कर सकूं तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। आज के जमाने में सुखी होना तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, यह युग की सत्य हकीकत है, जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते। उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं बेवकूफी भी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती हैं। तो जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो, और इससे कभी नहीं टूटेगी अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे अनेक विकट परिस्थितियों से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकते हो। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे। तो किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो, आज कठिन है कल बेहतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझ लेना भी बेहतर है। बदलना है मिट्टी का सांसे, सारी उद्धार घमंड भी है तो किस बात का। यहाँ तो हम सब ही रहेदार हैं। परेशानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया, और जिसने अपनी परेशानियों को सर प्रस्वार किया वह लुट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी परेशानियों से जो निकल जाते हैं, मानो कोई हमारा साथ दे रहा हो, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसीलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे, तभी स्वरा आपका हाथ थाम ले, तब ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। और दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।